अच्छा है मौली, पर ये काम तुम नहीं करोगी। अरे मैं क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व हुई तो तुम्हें मनीषा बुआ की शर्त याद है, शादी कैंसिल तो माफी भी कैंसिल। मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू राहुल, पर मिनी से मेरा भी तो रिश्ता है ना, उसके साथ भी तो सही नहीं हो रहा और मैं गलत नहीं होने दे सकती। हाँ? इसलिए इस मिशन शादी कैंसिल में हम दोनों साथ होंगे। डॉक्टर है तू, पता तो होगा ही, ये गोली खा ले, खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और पेट भी सही रहेगा। थैंक्स विजू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत तो मुझे भी नहीं थी तेरे हेल्प की, तो बीच में क्यों आया? अरे पापा ने पकड़ लिया था तुझे, मैं नहीं आता तो क्या करता? कि थाली कहाँ लेकर जा रहा था? कह देता राहुल के पास ले जा रहा हूँ। मैं तेरी तरह चोरी छुपे काम करने वाला इंसान नहीं हूँ, ना ही मुझे तेरे फेवर की जरूरत है। आगे से अपनी हेल्प अपने पास ही रखना। वैसे मौली, तुम मानस के फादर को माफी दिलाने के लिए मुंबई से उज्जैन तक लेकर आ गई, डेली नए स्ट्रगल से डील कर रही हो। आज तक मानस ने तुम्हें कहा नहीं कि ही सो प्राउड ऑफ यू। आई एम श्योर मानस भी तुम्हारी उतनी ही केयर करता होगा जितनी तुम उसकी फैमिली की करती हो। हाँ हाँ, मेरा और मानस का बहुत खास रिश्ता है, और वो मेरा ही नहीं पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। और आज जब आए थे तो ही वॉज लाइक कि सॉरी मौली, जाना तो नहीं चाहता पर ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा, रुकना चाहते थे पर जाना पड़ा। मिस कर रही हो मानस को? याद आ रही है अपने लविंग और केयरिंग हस्बैंड की? डिनर के लिए थैंक यू मौली, एंड गुड नाइट। गुड नाइट। मानस के बारे में तुमसे डायरेक्टली पूछ भी सकता था, पर मैं तुम्हें ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था। ट्राई कर रहा था, सोच रहा था कि तुम कंफर्टेबल होगी तो शायद खुद बता दोगी, पर तुमने नहीं बताया। पता नहीं क्यों ये सच को हाइड कर रही हो। बस कल मिनी का ये रिश्ता टूट जाए, उसके बाद मैं पापा जी को अपनी और मानस की सच्चाई बता दूंगी। इतने बड़े परिवार में राहुल के लिए खाना बस एक मौली लेकर जा पाई, क्योंकि उसे परिवार और उसके लोगों का ख्याल रखना आता है। बस मानस को मौली की ये वैल्यू समझ में आ जाए तो फिर आज जैसे मिलने आया था कल को साथ रहने भी आ जाएगा। कन्वे, वो वैभव ने गुस्से में आके विजू भैया को उल्टा सीधा कह दिया, दिल का बहुत साफ है बस गुस्सा जल्दी आ जाता है उसे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती। कोई बात नहीं जी, गुस्से में निकल गया होगा। जरा सोचे, अगर राहुल और वैभव साथ में रहते तो उनका रिश्ता भी मनोज भैया और इनके जैसा होता।
आप दोनों मुझे देखकर ऐसे साइलेंट मूड क्यों ऑन कर लेती हैं? प्लीज कंटिन्यू, मुझे आप दोनों की गॉसिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाय। थैंक यू ज्योति। भाभी ये लीजिए आपकी स्पेशल वाली ग्रीन टी। थैंक यू सो मच ज्योति, तुमने क्यों बनाया? मैं खुद बना लेती। तो क्या हुआ भाभी, मैं सबके लिए चाय बना ही रही थी तो दूसरे चूल्हे में पानी गर्म कर दिया और इसमें तो कुछ डालना भी नहीं पड़ता, झटपट बन गया। सो स्वीट ऑफ यू ज्योति, तुम सच में दूसरों के बारे में सोचती हो। दूसरों का कहां भाभी, सब अपने तो है। ये सेकंड जनरेशन वाले नॉइज कैंसिलेशन फीचर ना? हाँ। वाओ, इसमें तो बाहर का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे कुछ नहीं सुनाई देता होगा। कुछ नहीं सुनाई देता है ब्रो। मंदिर में जैसे फूल इकट्ठे होते हैं वैसे ही आज पूरा परिवार राम दरबार में इकट्ठा हुआ है, पर आज मौली जो करने वाली है ये फूल खिलने से पहले ही कहीं मुरझा ना जाए। दादी ब्रो, कल के लिए सॉरी दादी ब्रो। चलो शुक्र है, कम से कम तुम्हें माफी मांगने की अकल और शर्म तो आई। दादी ब्रो मैं आपसे सॉरी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने जूस में अल्कोहल मिलाया था, मैं आपसे सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं कल ही आपको सब सच बता देना चाहता था पर मैं बता नहीं पाया। तुम्हारी बातें किसी के पल्ले नहीं पड़ रही राहुल बेटा, या तो बोलो मत और अगर बोलो तो सब खुल के बोलो। बड़े दादू मैं बताती हूं, फिर से कोई टेंशन होने वाली है। हाँ मेहंदी वाले घर में फिर से विश्व युद्ध होने वाला है। राहुल ने कल सुप्रभा आंटी को शराब जानबूझ के पिलाए थे। ताकि 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 क्या, आगे बोलने के लिए कोई मुहूर्त निकालोगी क्या? वो राहुल ने सुप्रभा आंटी को शराब इसलिए पिलाई थी ताकि ताकि मिनी की शादी टूट जाए। मौली जो कुछ भी कर रही है वो अपनी मिनी की भलाई के लिए कर रही है। बाकी सबकी तरह तुम मौली के नाम की माला जपना बंद करो और तुमसे एक बात साफ कह देता हूँ, मौली जो कुछ भी करने जा रही है तुम उसमें उसका साथ नहीं दोगी। अरे मैं दुश्मन नहीं हूं मिनी का, बाप हूं मैं उसका, उसका बुरा नहीं चाहता मैं।
टीम तो हमने बना ली, पर कैप्टन मौली प्लान है क्या? प्लान बहुत सिंपल है। कल से मिनी का व्रत शुरू हो रहा है और कल ही विकी और उसकी मॉम घर पे आने वाले हैं। बस हमें कैसे भी करके विकी को ये विश्वास दिलाना है कि मिनी ने अपना व्रत तोड़ दिया। नहीं भाभी, अगर विक्की को पता चला कि मैंने उसकी मम्मी की विश पूरी नहीं की तो उसका गुस्सा तो वॉल्केनो की तरह फूटेगा। एग्जैक्टली मिनी, यही तो हम सब चाहते हैं कि उसका गुस्सा सबके सामने आए, विक्की का गुस्से में हाथ उठे और यहाँ उसका असली रंग सबके सामने ले आए। मौली, विक्की गुस्सा करेगा लेकिन सबके सामने तो नहीं करेगा ना, वो उसे अकेले में कैसे पकड़ेंगे? अगर विक्की और मिनी अकेले होंगे तो विक्की का गुस्सा खुल के बाहर आएगा और उसी वक्त मैं और मौली वहीं छुपे होंगे। जैसे ही वो मिनी पर हाथ उठाएगा हम उसका वीडियो बना लेंगे। What do you think? हाँ बेटा, और विक्की रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। राम जी करे ऐसा ही हो। चलो आप सब सो जाते हैं, कल सुबह 4 बजे उठना भी है। सुबह 4 बजे क्यों उठना है? ओ अरे बेटा, कल से महाशिवरात्रि शुरू होने वाली है ना, तो पहली पूजा सुबह 4 बजे है। ओके, तो चलो सो जा, बहुत रात हो गई है। ओके मैम, गुड नाइट। क्या जाओ सो जाओ, आज तो खाना मिला है ना? खाना मिला है और नींद भी आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? वो कुछ नहीं। एक्चुअली मौली, एक बात कहनी थी तुमसे। बोलो। ऑल द बेस्ट टू अस। गुड नाइट। गुड नाइट। एक बार मिनी का ये इश्यू सॉल्व हो जाए मौली, फिर मैं तुमसे मानस और तुम्हारे रिश्ते पे भी बात करूंगा। पापा, कुछ चाहिए आपको? अब वो वहां धतूरे पड़े हैं, जरा ले आना। लीजिए। और आज तो क्या बात है, नन्हे ने भी मनोज को देखकर मुंह नहीं फेरा। शुभ संकेत है, शिवरात्रि मेहंदी वाले घर को शुभ हो। हर हर महादेव। हाय बेटा। मैं हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। वो कैसे करोगे बेटा? ताई जी, मौली है ना, मौली है ना ताई जी, वो मुझे सिखाएगी किस तरह ये सुई धागे से आप फूल की माला बनाते हैं, राइट? अब देखो, इसको ऐसे ले और सिंपल। ओके, ठीक है। राहुल, सुनो, नहीं करो। याद है तन्वी, विजू भैया को कितना कहते थे कि पूजा की तैयारी में हमारी मदद करो, पर उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती थी। अभी भी कुछ नहीं बदला जीजी, बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, पर ये राहुल किस पे गए? वैभव तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता। मौली, तुमने अपनी चौकड़ी तो जमा ली है, इसका मतलब तुमने सोच लिया है कि कैसे लाना है विक्की का सच सबके सामने। जी जानकी मैम, हमारा प्लान बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है तुम्हारा प्लान हमारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ जानकी मैम, आपका नाम खराब नहीं होने दूंगी, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। सच में विक्की के खिलाफ सबूत मिल गया तो मिनी की शादी तोड़नी पड़ेगी। अपनी पोती को ऐसी आंख मूंद के कुएं में तो नहीं धकेल सकते ना, पर एक और शादी टूटने के धक्के से ये परिवार कहीं ढह ना जाए। माँ, मैं वॉशरूम हो गया था। ठीक है, जा। कुछ तो मिली भगत लग रही है इन सब की।
कहीं कुछ उल्टा सीधा करके मेरी इज्जत का कबाड़ा ना कर दे। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का ये बेस्ट मौका है। ज्योति तुमने पता किया मौली क्या करने वाली है? अरे तो पता करो ना। जानकी माँ ने भी पता नहीं क्या सोच के मौली को बोल दिया सबूत इकट्ठा करने के लिए। पता नहीं क्या करेगी वो लड़की। किसी भी तरह विकी का सच अगर बाहर आ जाए तो अच्छा ही है ना। अगर गुस्सा करता हो या फिर हमारी बेटी पे हाथ उठ। चाय हो जाए तो लेके बाहर आ जाना सुप्रभा जी के लिए। सुप्रभा जी वेट कर रही है। सुनाताई जी विक्की बाहर आने ही वाला होगा। आपको याद है ना क्या बोलना? हाँ हाँ सब याद है। बिना डरे बिना झिझके सब बोल दूंगी। सुनाताई जी एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ मौली? क्या गड़बड़ हो गई पता तो करूं। मम्मी को बताऊंगा इनकी खाट खड़ी कर देंगे। वो मिनी मिनी ने अपना व्रत तोड़ दिया। क्या कब और तुझे कैसे पता चला? मैं उसके रूम में गई। रूम में देखा उसके टेबल पर लड्डू का पैकेट पड़ा है जिसमें से 4-5 लड्डू गायब थे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मिनी से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने लड्डू खा लिया? मुझे तो यही लगता है। और ज्योति चाची भी कह रही थी ना कि खाली पेट रहने से मिनी को एसिडिटी हो जाती, इसलिए उसने लड्डू खा लिए होंगे। गलत किया मिनी ने, बहुत गलत किया। लेकिन मौली ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। घर में विकी बाबू और सुप्रभा जी आए हुए, उन तक ये बात बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम एक काम करो, मिनी के कमरे से ना लड्डू का डब्बा फटाफट हटा दो, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो राहुल, विक्की मिनी के रूम की तरफ गया है, तुम रेडी रहना ठीक है? ने कहा था ना कि 9 दिन कुछ भी नहीं खाना, फिर तुमने लड्डू क्यों खाए? जो लड़की मेरी माँ की बात नहीं मान सकती वो मेरी बात क्या मानेगी? कैसे मान लूं कि तुम मेरी बात मानोगी? क्यों खाए बताओ? अरे अरे बहन जी क्या हुआ, आप कैसे गिर गईं? अरे हमारी तो हड्डी का चूरा हो गया भाई साहब, आपके इस कारपेट से फिसल कर गिर गए। अरे राम जी महाराज, उठा बहन जी को। हाँ बेटा उठा। जी बाबा। ना समझी जी ना, हम इज्जतदार लोग अपना भार लड़की वालों के ऊपर थोड़ी ना डालेंगे। अरे व्यवहार वाली बात तो है। अरे कैसे गिर गए मैं, क्या हुआ? अरे अब तुमको भी फिर से बताएं कि कैसे गिर गए, इस कारपेट से फिसल कर गिर गए हम। अरे हमारी तो हड्डी का चूरा हो गया, टूट गई हमारी हड्डी। आंटी मैं डॉक्टर हूँ, मुझे दिखाइए। अरे ना ना प्रवक्ता बहू, बस बस नहीं चाहिए।
विक्की बेटा चलो हमको घर लेके चलो। और हमारे डॉक्टर साहब है ना त्रिवेणी जी, उनको हमारी हर बर्ज का पता है, उनको दिखाएंगे हम। चलो उठाओ बेटा आराम से, कौन से पाप की सजा दे रहे हो, पूरी जोर से गिर गए। आराम से बहन जी, धीरे धीरे धीरे। विक्की मिनी पे हाथ उठाने ही वाला था जानकी माँ कि तभी एग्जैक्ट उसी समय आंटी को चोट लगी और सारा प्लान फेल हो गया। प्लान फेल हुआ है पर हमारा मोटिव तो पूरा हुआ है। हम क्या चाहते थे, ये प्रूव करना कि विक्की एक अब्यूजिव इंसान है, कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मिनी पे हाथ उठा सकता है। वीडियो पे ये सब कुछ कैप्चर हो चुका है। चाचू देखिए, देखिए विक्की हाथ उठाने ही वाला था। दादी ब्रो, हाथ उठाने वाला था और हाथ उठाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हो सकता है पूछ रहा हो कि तुम ठीक हो मिनी। जानकी माँ आप बताइए, क्या आपको दिख रहा है कि विक्की ने मिनी पे हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा? नहीं। बस बात खत्म, जानकी माँ ने फैसला सुना दिया, कोई कमी नहीं है विक्की में। मिनी, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता, इज्जतदार लोग हैं, बहुत सम्मान के साथ रखेंगे तुझे अपने घर। चाचा जी एक बार कोशिश तो। मिनी बेटा, तेरा बाप तेरे से भीख मांग रहा है, ना खुशी खुशी शादी कर ले, अब विदा हो जा अपने ससुराल। तेरे बाप से ज्यादा तेरा भला और कोई नहीं चाहता। माँ ये डॉक्टर तो कॉल ही नहीं उठा रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है। देखो कुछ नहीं हुआ है हमको, ताजे गुल मोहर की तरह एकदम चकाचक है, सारे नट बोल्ट एकदम दुरुस्त। तो आप ठीक हो तो वहाँ पर आपने ये सब नाटक क्यों किया? अरे करना पड़ा हमको, जिससे कि तुम्हारा सच थप से बाहर ना आ जाए। मेरा सच? उनकी वो प्रवक्ता बहू मौली ने तुम्हें फंसाने की जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। ज्योति तुमने पता किया अब मौली क्या करने वाली है? किसी भी तरह विक्की का सच अगर बाहर आ जाए तो अच्छा ही है। हाय राम, मौली ने विक्की को फंसाने की प्लानिंग की है। नहीं नहीं विक्की को अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। माँ अब मैं मिनी से शादी करके रहूंगा, वो होती कौन है मुझे रिजेक्ट करने वाली? मैं लड़का हूं, मैं उसे मारूं पीटूं गुस्सा करूं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी है। ये ले पानी पियो और दिमाग ठंडा कर। नहीं पीना। अरे अपना दिमाग ठंडा रख, तेरे इसी गुस्से के चलते तेरा ये दूसरा रिश्ता भी ना टूट जाएगा। कुछ दिनों के लिए अपना ये गुस्सा नगर निगम की कचरा गाड़ी में पिकवा दे, समझे? एक बार ये शादी हो जाए और मिनी इस घर में आ जाए फिर जो चाहे मर्जी सो करना, लेकिन तब तक इस मौली राहुल की जोड़ी से बच कर रहना बेटा। 20 दिन बचे माँ, सिर्फ 20 दिन बचे मेरी शादी में। अगर ये मौली और राहुल ने फिर से कुछ किया ना तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, फिर मेरी जबान के साथ साथ मेरे हाथ पैर भी चलेंगे, देख लेना आप। विक्की की असलियत तो जाहिर है पर अफसोस कि आज मिनी का परिवार ये सच सामने लाने से चूक गया। मिनी के ऊपर से खतरा भी टला नहीं है, जानकी माँ ने अक्षय को हाथों कहा पर मिनी के लिए वो भी चिंतित है। मिनी की उम्मीद बस राहुल का दिया वचन है, सुप्रभा जी की चतुराई के आगे राहुल का वचन हार गया तो मिनी और परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राम जी भली करना।
श्याम जी, रास्ता बनाने वाले आप ही हैं। हमारी पोती को भी उसी रास्ते पे चलाना जो उसके लिए श्रेष्ठ हो, जिसमें उसकी भलाई हो। सुप्रभाजी का फोन, राम जी। हेलो, राम राम सुप्रभाजी। जानकी जी, किसी जरूरी कारण की वजह से हमें विक्की और मिनी की शादी जल्दी ही करनी होगी, अगले 4 दिनों में। अच्छा, अभी हम फोन रखते हैं, बहुत काम है हमें। क्या करूं मैं, मिनी की शादी कैसे रोकूं? भूख लगे तो खा लेना। मौजी, मुझे भी वो बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, आप मुझे अंदर क्यों बंद कर रही हैं? मजबूरी में। बहुओं को कमरे में बंद करना आज तक इस घर में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अगर बहुएं बेटियों की शादी तोड़वाने लगे तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। बुआ जी प्लीज, दरवाजा खोल दीजिए ना। बुआ जी, बुआ जी, आइए आइए आइए। कब से आप लोगों के इंतजार में घड़ियां ताक रहे हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। माफ कीजिए सुप्रभा जी, आने में थोड़ी देर हो गई। आप तो जानती हैं आज महाशिवरात्रि है, रास्ता जाम था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाय विक्की, हमें पता नहीं था कि तुम पूजा में इतने इन्वॉल्व रहते हो। योर ग्रेट मैन। क्या बात है अंकल जी, पूरा परिवार आया है, लेकिन वो मुंबई वाली मौली भाभी नहीं दिख रही। वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, वो घर पे ही आराम कर रही है। ओहो, तब तो आज मिनी और विक्की की हल्दी में सम्मिलित नहीं हो पाएगी वो। हल्दी आज? देखिए ना, कितना शुभ दिन है आज, तो हमने सोचा कि यही मंदिर में लगे हाथ विक्की और मिनी की हल्दी भी कर देते हैं, और शाम तक मेहंदी का प्रोग्राम भी हो जाएगा, और कल फिर शादी। सुप्रभा जी, हम तो सिर्फ पूजा का सोच कर आए थे, हल्दी की तो कोई तैयारी नहीं की हमने। अरे जानकी जी, घबराइए मत, विक्की के पापा ने सब तैयारियां कर रखी है। भाई, नामी घराना है हमारा, एक चुटकी में सारे काम हो गए हैं। अब देखिए ना, अगर विक्की की दादी मृत्यु शैया पे नहीं होती तो हम इतनी जल्दबाजी थोड़ी ना दिखाते हैं। व्यवहार वाली बात तो है। आइए ना, आइए आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। विक्की का दोस्त, कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप विक्की के बारे में बताएंगे, प्लीज जल्दी कॉल कीजिएगा। खोलू का मैसेज? भाभी, ये लोग आज ही मंदिर में हल्दी करने वाले और शाम में मेहंदी। हेलो, विक्की के गुस्से की वजह से उसका एक रिश्ता पहले भी टूटा था। व्हाट? विक्की के एंगर इश्यूज के चलते उसका एक रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है? पर ये हुआ कब, मतलब कितने टाइम पहले? अच्छा, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, हम आपसे नहीं मिलेंगे। अरे शैतान है वो आदमी, जैसे तैसे अपनी बहन की जान बचाई है उससे। जान गया कि हमने उसकी असलियत आपको बता दी है तो फिर से शनि बनके खड़ा हो जाएगा हमारी जिंदगी में।
प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। माफ करिए सिस्टर, दोबारा फोन मत करिएगा प्लीज। मेरी मतलब विक्की ने ये बात पूरी फैमिली से छुपाई और मैं ये सच सबको बता के रहूंगी। तो कहीं जाना मत बाहर, ठीक है? फोन कहाँ गया? No way, राहुल, तू इस वक्त फोन खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। सारी डिटेल्स फोन में थी। पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। Come on, राहुल, no. मैं कहाँ गया था? I think मंदिर की सीढ़ियों से फिर गया था मैं। चाचू का फोन खो गया। हाँ, फोन करना है। बेटा ये तुम्हारा फोन है, जाके इससे खेल। चल। राहुल। यस मॉम। फोन तो मैं मिनी के रूम में छोड़ के आया। यहाँ से निकलूंगा कैसे? भैया। हाँ? मिनी? मेरी हल्दी होने वाली है। प्लीज कुछ करिए ना। चलो यहां से, चलो। क्यों शोर कर रही हो तुम? बुआ जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। विक्की की शादी ऑलरेडी फिक्स थी कहीं, जो उसके गुस्से और मारपीट के नेचर की वजह से टूट गई थी। बुआ जी, ये बात हमें तुरंत मंदिर में जाके बतानी होगी, वरना वो लोग आज ही मिनी की हल्दी करने वाले हैं। हल्दी? हाँ बुआ जी, मेरे पास गोलू का मैसेज आया था कि वो लोग आज ही मिनी की हल्दी करने वाले हैं। बुआ जी, मेरी अभी विक्की के कलीग से बात हुई है, उसी की बहन के साथ शादी फिक्स हुई थी। प्लीज बुआ जी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मिनी की लाइफ का सवाल है बुआ जी। सब बहाने हैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकलने के लिए। बुआ जी, मेरी 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 बात तो सुनिए। बुआ जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। राहुल को कॉल करती हूँ, वो हेल्प कर सकते हैं। राहुल प्लीज फोन तो उठाओ। गोलू को कॉल करती हूँ। हे भगवान, ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था। सारी प्रॉब्लम एक ही साथ आनी थी। क्या करूं मैं? प्लान ऑन है, ध्यान से सुनना मेरी। तुम अभी यहाँ से जाओगी इंदौर, और इंदौर एयरपोर्ट से तुम्हें फ्लाइट लेनी है बैंगलोर के लिए। ओके? मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली, आधे घंटे के अंदर तुम्हारी टिकट्स कंफर्म हो जाएगी। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी मेरे दोस्त से बात कर ली है, उसकी खुद की कंपनी है, वो तुम्हें जॉब दे रहा है, उसे तुम्हारा सीवी बहुत अच्छा लगा। डोंट वरी मिनी, वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरे साथ कॉलेज में था, एयरपोर्ट पर पिकअप करने आएगा और तुम्हारा स्टे का भी देख लेगा। मिनी, तुम बैंगलोर निकलने की तैयारी करो, मौली भी नहीं है हमें यहाँ रोकने के लिए। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर जानकी माँ या पापा में से किसी ने आपको यहाँ देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिनी, मुझे विक्की का सच पता चल गया। एंड यू नो व्हाट, तुमसे पहले विक्की की शादी किसी दूसरे जगह फिक्स थी, लेकिन उसके एंगर इश्यूज के चलते वो रिश्ता भी टूट गया था। उस लड़की के साथ भी हाथापाई करता था, और मैं ये बात सबको बता दूंगी। एक शब्द भी तुमने मेरे बारे में किसी को भी बोला ना, तो मैं पूरे उज्जैन शहर में यह हल्ला मचा दूंगा कि तुम्हारा चक्कर वो लंदन वाले भाई के दोस्त के साथ चल रहा है। नहीं भाभी,
विकी मुझे ऑलरेडी सब बता चुका है। क्या तुम्हें पता था? हाँ भाभी, सिर्फ एक रिश्ता टूट जाने से कोई बुरा इंसान थोड़ी ना हो जाता है। इट्स ओके मिनी, ये तुम बोल रही हो? तुमने ही कहा था विकी सही लड़का नहीं है। हाँ कहा था भाभी, क्योंकि मैं विकी को समझ नहीं पाई भाभी। आज ही गलती से मेरे हाथ से उसके ऊपर गरम गरम तेल गिर गया था, तो उसने मुझे डांटा नहीं बल्कि उसने मुझे पापा की डांट से बचाया। मेरी गलती है भाभी, आई एम सॉरी, और मैं सिर्फ विकी से ही शादी करूंगी। मिनी, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी मैंने कहा ना, हाँ प्लीज जाइए यहाँ से, अगर पापा ने आपको यहाँ देखा तो बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। हाँ प्लीज जाइए भाभी। मिनी, मिनी प्लीज जाइए यहाँ से, भाभी कोई देख लेगा। कोई भी देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता मिनी, अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। सब ठीक है क्या? हाँ माँ सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। ठीक है तब अंदर चलते हैं। चलो मिनी, ये सब वो मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी तो पैर फिसल गया और मैं गिर गई। सच बोल रही हो तुम? ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मिनी मैं एक डॉक्टर हूँ, सीढ़ी से गिरने से लगी चोट और नाखून के खरोच का डिफरेंस बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, इसलिए प्लीज मिनी जो हुआ है मुझे सच सच बताओ। क्या करेंगे आप सच जानकर भाभी, जो होना था वो तो हो ही गया ना, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, कुछ चेंज नहीं हो सकता है। मुझे पता है ये चोट तुम्हें विकी नहीं दी है, पर मिनी तुम ये छुपा क्यों रही हो? कल तक तो भाभी मिनी कहाँ रह गई मेरी बच्ची? आप सेम टॉपिक बार बार क्यों निकाल रही हैं? हाय राम, मौली यहाँ कब आई? भाभी आपने ही कहा था ना कि परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आपकी ही बात मान रही हूं। अगर आप भी मुझसे प्यार करती हैं ना तो प्लीज यहां से चली जाइए, प्लीज। मिनी बेटा, मम्मी मैं आपके ही पास आने वाली थी, पूजा के लिए सब वेट कर रहे होंगे ना। चलिए चलिए मम्मी। वेरी गुड मिनी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस विकी का साथ दे रही हो, और ये बात भी याद रख कि आज विकी ने सिर्फ तुम पे और अक्षय चाचू पे हाथ उठाया है, कल को गोलू और चाची जी भी हो सकती है।
यही बताने आई थी मैं। मुझे रोहित ने बताया कि उस विक्की ने अक्षय चाचू को भी नहीं छोड़ा। हाँ, बैंगलोर की फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दो। हाँ, जो भी खर्चा होगा मैं भर दूंगा। यस प्लीज, बात खत्म। गुड्डी बेटा, गुड्डी बेटा यहां क्या कर रही हो? अरे बेटा क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो, डर क्यों रही हो, क्या हुआ गुड्डी? विकी ने पापा पे हाथ उठाया, पर क्यों, क्या किया था उन्होंने? चाची जी, विकी की फितरत है हाथ उठाना, उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है। अब तक मुझे मारता था तो मैं चुप थी। इनफैक्ट आज ही उसने पंडित जी के रूम में मुझ पर हाथ उठाया तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसने पापा पर हाथ उठाया। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। बस यही सुनना था मुझे मिनी। I'm sorry, तुमसे सच निकलवाने के लिए मैंने झूठ कहा कि विक्की ने अक्षय चाचू पे हाथ उठाया। पर चाची जी, आपने सुना ना, उस विक्की ने मिनी पे फिर से हाथ उठाया। ये देखिए आप, ये देखिए इसके हाथ पे खरोंच के निशान। देर आए दुरुस्त आए, अपनी सूझबूझ से मौली ने मिनी के मुंह से विकी का सच उगलवा लिया, और अब तो राहुल के पास विकी की हैवानियत का सबूत भी है। ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अब उस राक्षस विकी को मौली और राहुल से कोई नहीं बचा सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।